हेलो स्टूडेंट्स, इस वीडियो में क्लास 10 एनसीईआरटी बुक में लाइफ प्रोसेस जो है हम लोग पढ़ना उसको डिस्कस करेंगे। और इस पेज में हमको फोटोसिंथेसिस का इक्वेशन दिखा रहा है और यहाँ पे क्रॉस सेक्शन एरिया ऑफ लीफ दिखा रहा है जहाँ पे एक्सचेंज ऑफ गैसेस और एक्सचेंज ऑफ वाटर होता है इस टोमाटा के थ्रू। तो ये जो क्रॉस सेक्शन एरिया जो दिखा रहा है मतलब लीफ का, इसको हम लोग यहाँ पे देख सकते हैं। ये हो गया स्टोमाटा, इसको बोलते हैं अपर एपिडर्मिस। और यहाँ पे जो है क्लोरोप्लास्ट प्रेजेंट रहता है डॉट डॉट के फॉर्म में, और लीफ में जो है कुछ एयर स्पेस भी प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। उसके अलावा स्पेस में हम लोगों को डिस्कस करेगा जो थ्री इवेंट्स जो होते हैं फोटोसिंथेसिस में वो क्या है। तो फर्स्ट जो है एब्जॉर्प्शन ऑफ लाइट एनर्जी बाय क्लोरोफिल, मींस जो लाइट एनर्जी जो होता है वो क्लोरोफिल एब्जॉर्ब करता है। सेकंड प्रोसेस क्या है, कन्वर्शन ऑफ लाइट एनर्जी टू केमिकल एनर्जी, मींस लाइट एनर्जी जो है केमिकल एनर्जी में चेंज होता है। कैसे, यहाँ पे जो देख रहे हैं ये जो केमिकल का फॉर्मेशन हुआ ग्लूकोज, इसके कारण जो है यहाँ पे ये स्टेप को बोलते हैं कन्वर्शन ऑफ लाइट एनर्जी टू केमिकल एनर्जी। उसके अलावा स्प्लिटिंग ऑफ वाटर मॉलिक्यूल्स, मीन्स वाटर जो है यहाँ पे टूटता है, और स्प्लिट करना मीन्स टूटना, ठीक है, और किस में टूटता है, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन में। थर्ड इम्पॉर्टेंट स्टेप जो होता है रिडक्शन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इन कार्बोहाइड्रेट्स, मीन्स कार्बन डाइऑक्साइड का रिडक्शन होता है। केमिस्ट्री में हम लोग पढ़े हैं रिडक्शन एंड ऑक्सीडेशन प्रोसेस क्या है। ऑक्सीडेशन में अगर ऑक्सीजन कंबाइन करता है किसी के साथ तो इसको ऑक्सीडेशन बोलते हैं, और ऑक्सीजन रिमूव होता है तो इसको रिडक्शन बोलते हैं। तो कार्बन डाइऑक्साइड जो है कार्बोहाइड्रेट्स में चेंज होता है, और यहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड का रिडक्शन होता है। तो ये स्टेप जो होता है मेनली फोटोसिंथेसिस प्रोसेस में होते हैं, और ये एग्ज़ाम में पूछते भी हैं। और एग्ज़ाम में हम लोग ये एनसीईआरटी का ही लाइन अगर लिखेंगे तो हमारे परसेंटेज भी अच्छे आएंगे और मार्क्स भी अच्छे आएंगे। डेजर्ट प्लांट टेक अप कार्बन डाइऑक्साइड एट नाइट एंड प्रिपेयर एन इंटरमीडिएट विच एन एक्टेड अपॉन बाय द एनर्जी एब्जॉर्ब बाय द क्लोरोफिल ड्यूरिंग द डे। इस स्टेप के बाद जो है कुछ डेजर्ट प्लांट के बारे में हम लोगों को पढ़ाया है इस पेज में, जहाँ कार्बन डाइऑक्साइड जो है रात में लेता है और वो फिर जो है प्रिपेयर करता है दिन में क्लोरोफिल के प्रेजेंस में, और फोटोसिंथेसिस प्रोसेस होता है। तो इस पेज में इम्पॉर्टेंट जो है हमारा फोटोसिंथेसिस प्रोसेस का जो ये स्टेप दिया हुआ है, मीन्स जो थ्री स्टेप है वो हम लोगों को आना चाहिए, और फोटोसिंथेसिस का ये इक्वेशन और क्रॉस सेक्शन एरिया ऑफ लीफ। ऐसे ही नेक्स्ट वीडियो में और भी एनसीईआरटी के बुक के ही पेज को डिस्कस करेंगे। थैंक यू।